आज मकर संक्रांति का त्यौहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति का त्यौहार सूर्यदेव और शनिदेव को समर्पित है। आज के दिन खरीफ की फसलों चावल, चना, मूंगफली, गुड़, तिल, उड़द की दाल से खिचड़ी बनाकर भगवान सूर्य को भोग लगाया जाता है। क्या है हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का महत्व, आइए रिपोर्ट में देखते हैं। आज पूरे देश में मकर संक्रांति का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी के महत्व के चलते इस त्यौहार को खिचड़ी त्यौहार के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इस बार खिचड़ी के त्यौहार पर खिचड़ी के सेवन को लेकर लोग उलझन में हैं, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार मान्यता है कि गुरुवार को खिचड़ी के सेवन से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और जीवन में धन की हानि होती है। लेकिन मान्यता यह भी है कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी के सेवन से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और शनि के प्रतिकूल प्रभाव में कमी आती है, क्योंकि खिचड़ी को नवग्रहों का प्रसाद माना जाता है। और इस बार मकर संक्रांति के दिन गुरु सूर्य और शनि सभी मकर राशि में स्थित हैं। ऐसे में खिचड़ी का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करने से गुरुवार के दिन खिचड़ी खाने का दोष नहीं लगेगा। इसके पीछे तर्क ये भी है कि शास्त्रों के अनुसार प्रसाद किसी भी दिन किसी भी रूप में ग्रहण किया जाए तो वो दोषपूर्ण नहीं होता है। इसके पीछे दूसरा तर्क ये भी है कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी में प्रयोग किए जाने वाली चीजें जैसे चावल, उड़द, घी, नमक का दान भी किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान करने से सभी तरह के ग्रह दोष भी दूर हो जाते हैं। वही बात करें कि मकर संक्रांति के दिन क्या करें और क्या ना करें और पूजा विधि कैसे करें, तो हम आपको बता देते हैं। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अगर आप जनेऊ धारण करते हैं तो उसे बदल लें। पूर्व दिशा की ओर मुंह कर हाथ में जल और अक्षत लेकर दान का संकल्प लें। किसी योग्य ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। स्वयं किया दान उत्तम होता है, इसलिए दान अपने हाथ से ही करें। दान करते हुए कभी क्रोध ना करें और किसी कुपात्र को दान ना दें। वहीं दूसरी ओर मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी में स्नान और दान का विशेष महत्व है। साथ ही इस दिन दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही गंगा भागीरथ के पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में मिल गई थी, इसलिए मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। सुबह 8:30 पर मकर संक्रांति का मुहूर्त शुरू होगा, जो शाम 5:46 पर समाप्त होगा। संक्रांति पुण्यकाल की कुल अवधि 9:16 की है। संक्रांति का महापुण्यकाल सुबह 8:30 से 10:15 तक है। स्नान और दान के लिए महापुण्यकाल सबसे उत्तम माना जाता है। मकर संक्रांति के शुभ समय पर हरिद्वार, काशी, प्रयागराज जैसे तीर्थों पर स्नान का विशेष महत्व माना गया है। ऐसी मान्यता है कि संक्रांति के दिन देव भी धरती पर अवतरित होते हैं। आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है, अंधकार का नाश और प्रकाश का आगमन होता है। इस दिन गंगा स्नान और सूर्य की उपासना के बाद गुड़, चावल और तिल का दान सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। टीम न्यूज स्टेट। वहीं उज्जैन में मकर संक्रांति को लेकर बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। बाबा महाकाल के प्रांगण को पतंगों और फूलों से सजाया गया। बता दें कि हर साल महाकालेश्वर मंदिर में मकर संक्रांति का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। यहां बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं और पूजा अर्चना कर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेते हैं। भगवान महाकालेश्वर का मंदिर में हर त्यौहार मनाया जाता है, उसी तारतम्य में मकर संक्रांति पर्व काल का पर्व भी चल रहा है। उसी में भगवान महाकालेश्वर को सजाया गया, पतंग का श्रृंगार किया है, माला फूल का श्रृंगार किया है, भांग का श्रृंगार किया है। जो भी दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं अपने आप को धन्य समझ रहे हैं और भगवान महाकालेश्वर का सबको आशीर्वाद, मकर संक्रांति की शुभकामना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। खबर रायसेन से, जहां आज मकर संक्रांति पर लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। मां नर्मदा की आस्था ऐसी है कि इस खास मौके पर दिव्यांग भी दंडवत स्नान करने पहुंचे हैं। रायसेन के बगलवाड़ा घाट का विशेष महत्व और मान्यताएं हैं। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर लाखों श्रद्धालु यहां डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं।